So today we are going to see the next question in this C series is permutation of strings. So this is very hard question, I think. Not very hard, it's a medium question here, their difficulty level. Okay, so we have to print the permutations and combinations, means like that. If you have seen the sample input and output, okay, like that. So I have written the code and now I will explain with the my pen and paper. Okay, so the question is that they are giving a number, like this is the number, and they are giving three words like A, B, C. They are giving this number in sorted, sorry, they are giving this character in sorted order. So what's how the permutation works, means permutations hota kya hai? Next permutation abhi kya hoga, pehle mein aayega A, B, C. मीन्स इसके कॉम्बिनेशन के चांसेस बताने हैं हमें, हम कितने टाइप में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ए बी और सी यूज करके. देन ए सी बी, दिस इज द नेक्स्ट परमिटेशन. मीन्स अभी ये चेंज हो गए इधर से इधर. पहले में हम ए कांस्टेंट रख रहे हैं, मीन्स ए के सभी लेंगे हम कॉम्बिनेशन, मीन्स विथ स्टार्टिंग ए, दे आर द कॉम्बिनेशन विथ स्टार्टिंग ए. देन वी विल टेक बी ए सी, देन वी विल टेक बी C A. This is for B. These are the combinations starting from B. Then again C A B. Then again C B A. These are the combinations starting with C. So like that, we have to find these all permutations. Means combinations we have to find in this order. ये पहला वाला तो उन्होंने मेन फंक्शन में सीन दैट यू हैव सीन दैट मेन फंक्शन में दे हैव रिटन अ डू व्हाइल लूप दे हैव रिटन. लास्टली इन दिस लूप दे आर पासिंग द फंक्शन, मींस दे आर पासिंग फंक्शन एंड अगेन दे आर इटरेटिंग एंड हियर दे आर प्रिंटिंग लाइक फॉर लूप. मींस दिस फर्स्ट टाइम दिस विल प्रिंटिंग सेम, मींस जो उन्होंने दिया है वो प्रिंट करेगा पहले टाइम पे. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस ऑल अंडरनीथ, मींस बिलो जो कॉम्बिनेशन है वो हमें फाइंड करना है. सो लाइक दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से यू लाइक दिस इज ए एंड बी. आफ्टर यूजिंग स्टीयर कैंप, मीन्स आफ्टर यूजिंग स्टीयर कंपेयर ऑफ ए एंड बी, ये कैसा होगा? इफ ए एंड ए, अगर ए ए में होगा तो जीरो होगा, ए और बी में ए इज लेसर, लाइक मीन्स ए पहले आता है लाइक इन डिक्शनरी वी नो, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू. अगर ए तो इसकी वैल्यू आएगी लेस देन जीरो इफ वी आर कंपेयरिंग ए एंड बी, एंड दे आर कंपेयर ए बी और ए किया तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा. दिस इज द पार्ट ऑफ स्टर कंपेयर दैट वी आर यूजिंग हियर स्टर कंपेयर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्ट. सो आई हैव रिटन हियर कोड, वी आर टेकिंग द ड्राई रन, सो एग्जीक्यूटिंग. सो फर्स्ट टाइम इट विल प्रिंट ए बी सी बिकॉज दे आर यूज डू व्हाइल लूप, सो दिस विल प्रिंट. नाउ इट विल पास टू दिस फंक्शन, सो इस फंक्शन में आने के बाद हियर देयर इज द वेरिएबल आई. So I is now our here n is equal to 3. So I is our now n minus 1 is equal to 2. Okay. Then here we have to अभी इसको हमें चेंज करना है ए सी बी को. सो लाइक दैट अभी हम पीछे से आ रहे हैं कंपेयर करते करते सी से बी तक. सो हियर वी हैव रिटन वाइल अवर आई इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्टर कंपेयर एस ऑफ आई माइनस वन, एस ऑफ आई माइनस वन इज नाउ बी एंड एस ऑफ आई इज C is greater than 0, means this is not greater than 0. After star compare this will give less than 0. So here our while loop will stop and I minus minus तो होगा ही नहीं. So our I is equal to 2. अभी भी हमारा I 2 है because we have get false at first position. Okay, means star compare में अगर ये condition false हो जाएगी अगर ascending होगी तो like that. अभी ये वाला पार्ट मैं लास्ट को बताऊंगा बिकॉज हम जब सभी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस लेंगे लास्ट को फिर से एबीसी आएगा हमारे लूप में तो
रुकना चाहिए, मीन्स डबल डबल नहीं लेना चाहिए उसके लिए. सो लाइक दैट. सो नाउ वी आर टेकिंग अगेन वन वेरिएबल, जे इज इक्वल टू एन माइनस वन. सो नाउ अवर जे विल इक्वल टू टू. अगेन वी आर हियर टेकिंग स्टर कंपेयर विथ आई माइनस वन, वेर अवर आई इज टू. नाउ आई माइनस वन इज एस ऑफ आई माइनस वन इज बी. सो हियर वी आर कंपेयरिंग बी एंड एस ऑफ जे इज सी, विच विल गिव ऑल्सो रॉन्ग, मीन्स इट विल नॉट, इट इज फॉल्स कंडीशन. सो इट विल नॉट गो टू जे माइनस माइनस. सो अवर जे इज इक्वल टू टू दिस टाइम ऑल्सो, मीन्स जे बी डिक्रीमेंट नहीं होगा. नाउ द पार्ट इज दैट दे आर इंटरचेंजिंग, मीन्स ये तीन नंबर का है तो इधर इंटरचेंज नहीं होगा. लाइक दैट मैं दूसरा जब हमारा इटरेशन होगा तब आपको पता चलेगा. लाइक हियर दे आर स्वैपिंग ऑब्जेक्ट्स. नाउ हियर आवर जे इज इक्वल टू एन माइनस वन, दे आर टेकिंग अगेन, नो सॉरी, बिफोर दिस वी हैव टू स्वैप द, मीन्स अभी बी और सी हमें स्वैप करना है. लाइक दैट ही दिस इज द स्वैप कंडीशन, दिस इज द स्वैप कंडीशन, यू कैन चेक इट. अभी क्या हुआ, ए सी बी हुआ हमारा. लाइक दैट नाउ दिस इज द लास्ट कंडीशन वेयर वी हैव टू रिवर्स द एरे, मीन्स अभी इस कंडीशन में तो रिवर्स नहीं होगा. लाइक दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्सिंग द एरे. ओके सो वी विल नाउ गेट टू द सेकेंड पोजिशन. अभी हमने लाइक अभी ये हमारा प्रिंट हो गया ए सी बी. द नेक्स्ट कंडीशन इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन. सो नाउ इन दिस कंडीशन our n is 2, our I is equal to n minus 1 is equal to 2, then it go here. Now our I minus 1 is C and our I is B. Okay, so now it is the condition which is true. Then it will minus minus, then our I becomes 1, then here I goes above, and here our comes A and our new S of I, that is C. So like that. अभी क्या हुआ, now this condition becomes false, this stir compare become false. Now our I is equal to 1. Okay, so now this is the condition is false, and then it goes lastly our J is equal to 2, then here it is iterating, here we have now हमारा array ACB है. तो here our I minus 1 is, as our I is now 1, हियर आई इज अवर नाउ वन, लाइक दैट. सो हमारा अभी आई माइनस वन क्या होगा, ए होगा, मीन्स जीरोथ पोजिशन की. नाउ इट विल कंपेयर विथ जे विच इज अवर सी, सो विच इज अवर बी, मीन्स दिस इज अवर जे विच इज अवर बी. नाउ दिस कंपेयरिंग ए एंड बी, इट विल गिव, इट इज फॉल्स कंडीशन. देन जे इज नॉट, जे विल नॉट डिक्रीमेंट. ओके नाउ we will interchange s of I minus 1 to s of j. Our s of I minus 1 is what? Our s of I minus 1 is a, and s of j is b. Now it will interchange. Now our array will be a, now our array will be b c a. This is our array. Okay, this will our array. Now here it goes to here j minus 1. Now we have got BCA. Now it will come here in this position. Now our j is what? J, so j is equal to becomes 2 as our number is 3. Now our I is, so this is important. Now our I is equal to 1. So after this condition we will got BAC, which is our next conditions. So ABC, this one first, then A, C, B, like that. This is our third name. Like that we will get, ऐसे ही हमें करना पड़ेगा. This will return 1 every time, because do while लिख रहे हैं तो last को true condition आएगी return में, तो फिर से iterate होगा. And this will stop our function return 0. This will, when it will come, अभी B, A, C के बाद आएगा B, C, A, फिर से आएगा सी ए बी, फिर से आएगा सी बी ए, और लास्टली जब फिर से आएगा ए बी सी, तब ये वाला कंडीशन रन होगा. दैट यू कैन सॉल्व इट. ओके विल नाउ रन द कोड.
So now I will run the code. So what, here it is giving error. Okay, I have printed anything. Okay, so I will run the code. Yeah, it will work. So the main thing is try run this. Okay, this is taking a yeah. Sample test case has been passed. So if you have any problem, you can ask in comment. Thank you.